जी हाँ, वो तो मेरे को जो अचानक जो मैं इधर था, खेत पे था, जो इधर जो माने गाड़ी वाड़ी जलाई गई, हम देखा फोन वगैरह लगाए कैसे कैसे हुआ, फिर हम लोग आए, या इधर बहुत मारपीट चल रही थी। तो क्या सरपंच के यहाँ जो लोग इकट्ठे हुए थे वो कहाँ से आए थे? वो बाहर के थे। सरपंच ने बुलवाए थे मतलब? जी हाँ। और सरपंच का कहना है कि वो तो अनराय में आए थे वो लोग? तो नहीं, अनराय में नहीं थे। उनके घर में गुंडे ने उन्हें हंगामा में पहले गुंडों ने हंगामा किया। अच्छा, फिर जो गांव वालों ने फिर बाद में लड़ाई की शुरुआत किसने की? उसी ने की, जो यहाँ से रास्ते में जो आदिवासी निकलते थे चलते थे, और जो पाए जाते थे यहाँ पे मौके पे, वो उन्हीं को मारते। वो सर गया ना, वो छेड़ा छाड़ी में हो गया था, ऐसे ही हम लोग तो गए थे समझा समझाने के लिए, लेकिन वो समझे नहीं। किसके द्वारा? अरे वो है ना, वो उसका लड़का सरपंच का जी, और यहाँ अपने घर की यहाँ बहू थी, तो उसमें हो गए, दो तीन बार समझाया सर, लेकिन नहीं समझा। और कल भी गए थे वही बात समझाने के लिए, लेकिन उन्होंने शुरुआत कर दिया ना मानने में। शुरुआत किसकी ओर से? उसी की ओर से। अच्छा, सरपंच जी, फिर इसलिए हम लोगों ने किया। अच्छा, बदला तो लेना पड़ेगा। उसने गुंडे बुलवाए। कितने आपके यहाँ से कितने लोग घायल हुए? हमारे यहाँ से तो 4-5 लोग घायल हुए। अच्छा, सामने वाली पक्ष से वो भी ऐसे ही हो गए, 4-5 लोग, पता नहीं कितने, लेकिन पता नहीं है। चौकी जतहरी थाना सिलवानी के अंतर्गत है, ये आदिवासी बाहुल्यपुरी पंचायत है। यहाँ के जो सरपंच हैं वो वीर सिंह यादव के परिवार से हैं, और कुछ उनका इससे पहले कुछ विवाद हुआ था जो बाद में शांत हो गया। कल शाम को इनका जो बेटा है उसमें और एक रामजी नामक के आदिवासी युवक में कुछ कहा सुनी हुई, बात मारपीट तक पहुँच गई। एक दो आदिवासी पक्ष के लोग इनके रिश्तेदार जो थे वो समझाने गए, इस पर से जो यादव पक्ष ने हैं उनके साथ मारपीट कर दी। मारपीट की खबर पूरी पंचायत में फैल गई, और इस पंचायत में जो छोटे छोटे 6 गांव हैं वहां तक खबर पहुंची, तो आदिवासी समुदाय के सभी लोग इकट्ठे हो गए। चूँकि वो आक्रोशित थे, 2 लोग उनके घायल थे, तो उन्होंने इनके घर पर तोड़फोड़ की, जो इनके लोग थे उन लोगों के साथ में मारपीट की। पुलिस को सूचना मिली तो सबसे पहले जो था वो स्थानीय पुलिस आई, SDOP और थाना प्रभारी सिलवानी से पहुंचे, जितना भी बल उनके पास में था, प्रशासनिक अधिकारी SGM भी साथ में आए, और सबसे पहला उन्होंने काम ये किया कि जो घायल थे उनको अस्पताल पहुंचाया गया और लोगों को शांत करने की कोशिश की गई। इस बीच में चूँकि रायसेन जिले की दूरियाँ अधिक हैं, रायसेन से पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर, ADM और हम लोग सब लोग एक्स्ट्रा फोर्स के साथ में आए। जो अंदर घर के अंदर जो यादव पक्ष के लोग घिर गए थे उनको सुरक्षित बाहर निकाला गया, और आदिवासी पक्ष से भी बैठ करके बातचीत की गई, और इस तरह से गांव में स्थिति को सामान्य करने का कोशिश किया गया। किस मामले को लेकर ये विवाद हुआ है? जो आगजनी हुई है वो जो सरपंच के घर के बाहर कुछ मोटरसाइकिल रखी हुई थी, वाहन रखे हुए थे, उसमें से एक बोलेरो में कुछ आग लगा करके थोड़ा नुकसान हुआ है, और 4 मोटरसाइकिलों में आग लगाई गई है। कुल ऐसे करके जो 15 मोटरसाइकिलें थी जो इनके यहाँ पर लोग आए हुए थे उनकी मोटरसाइकिलों को नुकसान हुआ है। किस मामले को लेकर इतनी बड़ी घटना हो गई? वर्तमान अभी क्या स्थिति है सर? देखिए, जो आदिवासी पक्ष है उनका ये कहना है कि जो एक इसमें से सरपंच का जो पति है उसने कुछ एक महिला के ऊपर कुछ छींटाकशी की थी, जिसका इन लोगों ने विरोध किया था। हालांकि इससे पहले कभी उस बात की रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन इनके बीच में बहसबाजी जरूर हुई थी इससे।